नमस्कार दोस्तों, आज टाटा का न्यू व्हीकल्स लेकर आ गए हैं। इसकी आपको तमाम सारी जानकारी हम फीचर्स के बारे में दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको स्टीयरिंग मिलेगा, स्टीयरिंग के पास में आपको यहाँ पे डिजिटल मीटर मिलेगा जिससे आप ऑपरेट कर सकते हैं। फ्यूल वगैरह इसमें, यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको गेयर बॉक्स की जानकारी मिल जाएगी, जो गेयर ट्रांसमिशन जो काम करता है कितने गेयरों के साथ, तो 8 इसमें प्लस रिवर्स गेयर के साथ में आपको ट्रांसमिशन मिलेगा। यहाँ पे आपको लॉकर्स वगैरह मिल जाएंगे एंड केबिन को काफ़ी डिज़ाइन के साथ कंपनी ने डिज़ाइन किया है, जिसमें प्लास्टिक काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल्स का लगाया है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आप रख सकते हैं। और यहाँ पे एसी वगैरह के पॉइंट्स वगैरह एंड कंट्रोलिंग सिस्टम सारे यहाँ पे फीचर्स इंक्लूड है। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक आ जाएगा और ये आपका लीवर्स दिखेंगे जहाँ से गियर शिफ्टिंग वगैरह। इसमें काफ़ी फिनिशिंग क्रोम का यूज़ किया है टाटा बेजिंग के साथ में। यहाँ पे आपको एम कार्बो बॉडी को हाइड्रोलिक के साथ यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे 5 वीगर टैग दिया है जिससे आपको लाग गाड़ी के अंदर कुछ आग वगैरह लगती है तो उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो भैया यहाँ पे आपको देखेंगे जो केबिन के अंदर काफ़ी डिज़ाइन किया है, जहाँ देखें आप कुछ ना कुछ सिस्टम को ऑपरेट किया है टाटा ने काफ़ी डिज़ाइनिंग के साथ। यहाँ पे हैंड ब्रेक भी दे रखा है जो ड्राइवर को काफ़ी आसानी होती है उसको। और पीछे की ओर देखेंगे तो आप कार्बो बॉडी भी हाइड्रोलिक के साथ यहाँ देखेंगे, ड्राइवर को आसानी होती है देखने के लिए। और यहाँ पे सीट बेल्ट वगैरह का भी ऑप्शन दिया है काफ़ी डिज़ाइनिंग के साथ। यहाँ आप देखेंगे तो आपको चार्जर्स वगैरह के भी, और यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि टाटा ने अपने केबिन्स के अंदर एयर कूलिंग का सिस्टम पूरा दिया है। यहाँ आप देखेंगे तो डोर वाइजर्स के अंदर भी आपको कप होल्डर्स एंड स्पीकर के टूटर्स के साउंड भी दिए रखे हैं। और व्हील बेस की है आपका 11RT2116 के, इसके जो फ्रंट के टायर्स हैं यहाँ पे आपको साकप वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जो काफ़ी डिज़ाइनिंग के साथ में मरगाट के नीचे इम्प्रूवमेंट किया है। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स एंड रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको 8x2 की तरह इसमें आपको साकप हाइड्रोलिक साकप टाइप में दे रखे हैं, जो पावर स्टीयरिंग पाइप के साइड से आपको डिज़ाइनिंग चेंजेस इसमें देखेगी मिलेगी। और आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे यूरिया टैंक्स एंड फ्यूल टैंक्स दोनों देखने को मिलेंगे। जो एक्सल्स की बात करें तो इसमें मल्टी एक्सल्स का यूज़ किया है, ये इसके रियल एक्सल है जिसमें आपको डबल टायर्स मिलेंगे। और यहाँ पे आपको फिल्टर्स वगैरह एंड टेल पाइप में काफ़ी सुधार किया है टाटा मोटर्स ने, क्योंकि इसमें टाटा मोटर्स के अंदर पहले टेल पाइप अदर गाड़ियों में भी नीचे आते थे। यहाँ कार्गो बॉडी के अंदर भी काफ़ी चैक्स जैसे हिंगल्स का यूज़ किया है जिससे बॉडी को काफ़ी मजबूती मिलती है। फुल टैंक इसका 300 लीटर का है, जो काफ़ी मात्रा में एक लंबा चौड़ा सफ़र कर सकता है। तो आप देखेंगे फ्यूल टैंक्स एंड यहाँ पे चेची को देखा है तो आपको चेची के अंदर आपको डबल ट्रोडिंग मिलेगी, जो काफ़ी मजबूती देती है एक भारी वाहन को चलाने के लिए। जो कमर्शल जो वाहन होते हैं इसमें लिप स्प्रिंग का भी यूज़ किया है, जो उल्टे की तरह आपको दिखेगी, काफ़ी इसमें मजबूती के साथ कार्गो बॉडी को अधिक से अधिक माल को डालने के लिए किया जाता है। चेची की बात करें तो इसमें 430 mm की मोटाई है, जो काफ़ी मजबूती कहा जा सकता है, जो टाटा अपने कस्टमर के लिए हमेशा बरकरार रखती है। और आपको यहाँ ओवरऑल इसका वीडियो दिखाया है, इसके नीचे आपको यहाँ पे व्हीकल्स की फ़ोटो भी दिखा देता हूँ कि किस टाइप का दूर से व्हीकल्स दिखता है। और ये ऑटो एक्सपो बेंगलुरु के अंदर लगा हुआ है। इसमें आपको इंजन के अंदर आपको इंजन ब्रेकिंग भी मिलेगा और हैंड ब्रेकिंग भी मिलेगा, काफ़ी एक गुड लुकिंग के साथ में कार्गो गाड़ी को भी डिज़ाइन किया है। यहाँ से आपको इसका लॉक दिख रहा होगा, ये डालो को खोलने के लिए इसमें नया डिज़ाइन बोल सकते हैं आप, जो इसको ऑपरेट करता है इस डालो को। यहाँ से यहाँ किसी को आपने को हथौड़े या किसी के पंच करने की ज़रूरत नहीं है। तो बात कर लेते हैं जो वेट है इसका, GBW 35,000 किलो का। और यहाँ पे आपको और भी जानकारी मैं दे देता हूँ बैटरीज की। तो बैटरी की बात कर ले तो यहाँ से आप पावर ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। इसमें बैटरी 12-12 की दो लगी है, 24 वाट की बैटरी है इसके फीचर्स के साथ में। और ये यूरिया टैंक के अंदर भी काफ़ी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के साथ प्रोवाइड है टाटा मोटर्स का। एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे व्हीकल्स के अंदर जगह जगह दोनों व्हीकल दोनों टायर्स के ऊपर आपको मरगाट दिए हैं। इसी के ऊपर आपको आता है तो हाइड्रोलिक टैंक्स आता है, जो काफ़ी बड़ा होता है 250 लीटर्स के आसपास। यहाँ से केबिन उठाने की भी रॉड वगैरह आप केबिन उठा सकते हैं। तो इसकी इंजन परफॉर्मेंस की बात कर लो तो ये आपका इंजन कितने किलोवाट का है, तो आप इंजन मैं आपको बता देता हूँ, 186 इसका किलोवाट इंजन है। और मैक्सिमम पावर की बात कर लो तो इसको 950 Nm में इसको 1700 RPM पे
पावर जनरेट करता है। तो ऑलमोस्ट ये इंजन की बात करी है तो यहाँ पे आपको इंजन के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ों का सेफ्टी का ध्यान रखा है चेची के अंदर। इस केबिन की बात करूँ तो ये केबिन जो है काफ़ी एक कलर के एक ब्यूटीफुल ग्लैक्सी जैसा देखने को मिलेगा। और इसकी हेलोजन बल्ब की बात कर लेते तो हेलोजन बल्ब के साथ भी यहाँ पे अच्छा खासा एक सेफ्टी की कवर दिया है जिससे डैमेज वगैरह ना हो सके। तो काफ़ी ध्यान रखा है चेचिस से दूर बम्पर के, इसमें डिज़ाइनिंग से फिनिशिंग दिया है। तो काफ़ी एक ब्यूटीफुल लुक के साथ में 3530 kg इसका ट्रक का नाम है जो टाटा ने एक खूबसूरती एक नए व्हीकल्स के साथ में लॉन्चिंग किया है। और यहाँ से आप गाड़ी को एक कुछ प्रॉब्लम आती है तो यहाँ से आप एंगल से भी टांग के आगे की ओर खींच सकते हैं। तो एक लुक नए वर्ष में नया ट्रक टाटा ने अपने कस्टमरों के लिए नया ट्रक लॉन्चिंग किया है जो अपनी उम्मीदों से भी ज़्यादा करेगा, ये टाटा का भरोसा है। तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जब तक ओवरऑल इसका वीडियो और मैं आगे की ओर आपको पूरा दिखाता हूँ, यहाँ के अंदर की ओर हैंडल्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे।